वेलकम टू द मोस्ट स्केरी एंड रियल डार्क वेब वीडियोस। एंड एक कैब मैंने क्यों लगाई है इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। आज की जो हमारी पहली वीडियो है उसको टाइटल किया गया था एज द हैमबर्गर लेडी, जो एक ऐसी डार्क वेब की वीडियो है जिसके थ्रू कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए नाइटमेयर्स आना शुरू हो सकते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि इन वीडियोस के अंदर आ रही डिस्टर्बिंग सी साउंड्स को अगर आप पूरा एंड तक सुन लोगे, एक एक वर्ड को, तो आपको अपने आस पास एंड अपने नाइटमेयर्स के अंदर एक ऐसी लेडी दिखाई देना शुरू हो जाएगी जिसका फेस पूरी तरह बर्नड अप सा फील होता है एंड ब्लड से कवर्ड होता है एंड उसकी आईज भी थोड़ी बहुत पॉप आउट हो रखी होती है एंड उसकी स्माइल भी बहुत ज्यादा क्रीपी होती है। आई डोंट नो कि ये सारी बातें सच हैं या नहीं, या फिर जो डार्क वेब के लोग हैं जिन्होंने शायद इस वीडियो को बनाया है उन्होंने इसको और स्केरी दिखाने के लिए इसके पीछे इंटेंशनली एक ऐसी बैक स्टोरी रखी थी। बट नॉनदलेस ये वीडियो एक चीज जरूर अच्छे से करती है जो इस वीडियो को करनी भी चाहिए एंड दैट इज क्रीपिंग द शिट आउट ऑफ एवरीवन जो इसको देख रहा है, वो भी एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज मैनर में। मैंने भी इस वीडियो को काफी बार देखा था एडिटिंग के टाइम एंड वैसे भी अपनी रिसर्च के दौरान एंड मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आई एम कम्प्लीटली फाइन एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि द हैमबर्गर लेडी हॉरर एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा क्रीपी वीडियो जरूर साबित होती है। December 13, 2007, न्यूयॉर्क। अचानक एक रात चार टीनेजर्स का ग्रुप गायब हो गया था जब रिपोर्टेडली वो सारे अपनी बाइसाइकिल्स के थ्रू अपने पास वाली एक जगह में घूमने गए हुए थे, टिपिकली फन चीजें करने जो हर टीनेजर अपनी लाइफ के अंदर करता ही रहता है। बट वो सारे दोस्त अपने पेरेंट्स से एक बात छुपा कर गए थे कि वो सारे पास वाले इलाके में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह में चले गए थे जिसको उन्होंने इंटरनेट के थ्रू सर्च किया था। आई मीन द डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट के थ्रू। वन ऑफ द टीनेज फ्रेंड, उसको डार्क वेब यूज करना आता होता था एंड पिछली ही रात को डार्क वेब यूज करते हुए उसने डार्क वेब की एक वेबसाइट पर एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर उसी की सोसाइटी के पास में मौजूद एक केव के बारे में काफी कुछ लिखा गया था एंड उस आर्टिकल के बॉटम में ये लिखा हुआ था, यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ डार्क, जस्ट विजिट हियर एंड ब्रिंग एवरीवन अलोंग साइड दैट यू ट्रस्ट। जब उस पहले दोस्त ने इस सारी चीज के बारे में पढ़ा तो उसने फटाफट अपने तीनों दोस्तों से भी पूछा वहां जाने के लिए एंड सीक्रेटली उस केव को विजिट करने के लिए एंड ऑल ऑफ देम एग्रीड इन जस्ट वन ब्रेथ, क्योंकि हर टीनेजर को नए नए एक्सपीरियंसेस करने में काफी मजा आता है एंड उन्हें लग रहा था कि ये भी जस्ट उनके लिए एक एक्सपीरियंस ही होगा। ऑलमोस्ट शाम होने के बाद वो सारे दोस्त उस केव के पास चले जाते हैं अपनी बाइसाइकिल्स के थ्रू ही एंड वहां पर पहुंचने के बाद जो चीजें उन्हें देखने को मिली वॉज रियली रियली टेरिफाइंग। पता नहीं उस केव में क्या होता था, कैसे लोग वहां पर आते होते थे, लेकिन वन थिंग फॉर श्योर, वहां पर जो भी आता था या फिर जो भी ऑपरेशंस डार्क वेब के उस केव के थ्रू हुआ करते थे वो एक सेन माइंड वाला पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उस केव की वॉल्स पे अलग अलग टाइप की सीनरीज, डिमोनिक सिंबल्स, आर्टिफैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या ड्रॉ किया गया था। इवन कुछ लोगों की रैंडम फोटोज भी थी जिनको क्रॉस मार्क भी किया गया था, मानो जैसे रिसेंटली ही इन लोगों को विक्टिम बनाया गया हो किसी कारण से। थोड़ी देर वहां पर टहलने
के बाद उन्हें उस क्रीपी नज़ारे के अलावा कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो अपेरेंटली उनको भी डार्क वेब का एक हिस्सा बना पाए। बट इस वीडियो के थ्रू ऐसा जरूर रियलाइज होता है कि श्योरली कुछ देर बाद उनके पीछे कोई तो पड़ गया था, जिससे वो कैमरा भी उस बच्चे ने फेंक दिया था ताकि वो तेजी से भाग सके। वो जो भी पर्सन उनके पीछे पड़ा था, वो सिर्फ पीछे नहीं पड़ा था, श्योरली उस पर्सन ने उन सारे बच्चों को किडनैप भी कर लिया था, पकड़ जरूर लिया था, बिकॉज वो सारे बच्चे उस शाम के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए थे। लेकिन अभी एक और स्केरी ट्विस्ट और है, क्योंकि तुम सोच रहे होगे कि अगर उस बच्चे ने कैमरा भी फेंक दिया था एंड अगर उस बच्चे को पकड़ भी लिया था एंड उस सारे ग्रुप को पकड़ भी लिया था, तो इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर किसने किया? माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें पकड़ा था, उसी ने अपनी डार्क वेब की वेबसाइट पर इस वीडियो को शेयर किया। एंड इतना ही नहीं, एक थ्योरी ये भी आई थी कि उस डार्क वेब के यूजर ने उन चारों बच्चों को किडनैप करने के बाद, थोड़े टाइम तक टॉर्चर करने के बाद, उनको शूट करके मार भी दिया था। बट ऑफ कोर्स उस टाइप की वीडियो, जैसा मे भी उस बंदे ने उन बच्चों के साथ किया था, उस टाइप की वीडियो सरफेस वेब पर डालनी लीगली काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आज तक उन सारी वीडियोस का प्रूफ तो नहीं मिला है। बट स्टिल ये वाली वीडियो एंड इसकी बैक स्टोरी ही काफी है किसी का भी माइंड फक करने के लिए। The Grifter is a very scary dark web video which is said to be cursed. इतनी ज़्यादा cursed मानी जाती है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी की भी तुरंत डेथ हो सकती है या फिर उसको एक बहुत ज़्यादा deadly disease हो सकती है, वो भी permanently, like cancer and others. But to be honest, I don't believe that at all. And surely I think इस वीडियो के ये सारे belief डार्क वेब से ही ओरिजिनेट हुए होंगे। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिसके अंदर द ग्रिफ्टर वीडियो जैसे वीडियोस के कारण किसी के साथ भी वैसा कुछ हुआ होगा। आप लोगों ने मे बी द ग्रिफ्टर वीडियो के बारे में दूसरी यूट्यूब वीडियोस के अंदर शायद सुना भी होगा, बट मोस्टली पीपल इस वीडियो को दिखाना नहीं चाहते बिकॉज एलिजेडली तुम्हारी इस वीडियो को देखने के बाद डेथ हो सकती है। आई थिंक दैट इज बुलशिट एंड आई गारंटी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं खुद काफी बार देख चुका हूं द ग्रिफ्टर वीडियो को एंड आई एम स्टिल अलाइव। सो आई थिंक आप लोगों को भी ये स्केरी एक्सपीरियंस जरूर एक बार लेना चाहिए। Terrifying human faces, rotting dead bodies, exploration of something unknown and एक disturbing सा background and disturbing सा music जैसी काफी सारी disturbing चीजें थी इस video के अंदर, जो कि no doubt काफी ज्यादा creepy थी in a manner of a dark web video, जो कि हम इससे expect भी करेंगे। But again, I don't think it is deadly enough to kill someone. लेकिन आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे comments में जरूर बताना। जब भी हम डार्क वेब में हो रही इलीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं, स्पेशली जिसमें एक ह्यूमन सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होता है, लाइक टॉर्चर, एक्सपेरिमेंट, हॉरिबल प्लेजर्स एंड किलिंग जैसी चीजें, उस वाले टाइप की चीजें देखकर आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि अगर ये सब चीजें रियल एंड असली में हो रही है तो ये आखिर में हो का रही है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो हमेशा ऐसा सोचता हूँ जब भी किसी एलिजेडली डार्क वेब की लीक्ड फुटेज को देखता हूँ। डार्क वेब की यूजुअली जितनी भी वीडियोस बाहर आती हैं उनको देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल किसी सुनसान एंड शांत जगह में रिकॉर्ड करी जाती है, ताकि सब्जेक्ट कितना भी हेल्प के लिए चिल्ला ले, कितना भी शोर मचा ले, उसको कोई भी कभी ट्रैक ना कर पाए जब तक उनका मिशन या फिर काम पूरा नहीं हो जाता। इन्हीं कुछ जगहों में से एक इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह होती है, वो है अबेंडेंड माइंस, एंड वो काफी ज्यादा डीप भी बनी होती हैं, जिसकी वजह से किसी को भी वहां से ट्रैक कर वापस लेकर आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्राउंड में ज्यादा डीप जाने के बाद सैटेलाइट सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स एंड इवन मोबाइल सिग्नल्स काफी ज्यादा हिंडर होना शुरू हो जाते हैं। एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज में तो ऐसी हजारों माइंस अवेलेबल हैं जो कि आम पब्लिक से तो छुपी रहती है लेकिन क्रिमिनल से बिल्कुल भी नहीं। ऐसी एक अबेंडेंड माइन को कुछ अर्बन एक्सप्लोरर रिकॉर्ड करने गए हुए थे, जो एलिजेडली डार्क वेब के विक्टिम की बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज करी जाती थी डार्क वेब के यूजर्स के द्वारा। एंड जो माइन आप देखने वाले हो उसके बारे में डार्क वेब पर
बार हो रही पर्टिकुलरली इस टाइप की एक्टिविटी के बारे में उन्हें इसलिए पता था क्योंकि वो लोग भी डार्क वेब को यूज किया करते थे, नॉट फॉर रॉन्ग रीजंस एट ऑल बट फॉर जस्ट सम कैजुअल डार्क वेब सर्फिंग। उन्होंने इसी माइंड को डार्क वेब की एक वीडियो के अंदर नोटिस किया था जिसके अंदर एलिजेडली ये क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ पर डार्क वेब के विक्टिम की बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ऑब्वियसली जितने भी लोग आप इस ग्रुप में देख रहे हैं उन्होंने इस फाइंडिंग को बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं समझा एंड उनको लगा कि शायद डार्क वेब पर किसी ने सिर्फ थोड़ी बहुत अटेंशन पाने के लिए ऐसी वीडियो बना दी थी एंड इसका उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटाने के लिए वो उस माइंड तक ड्राइव करके चले जाते हैं एंड वैसे भी वो जगह उनके घर की लोकेशन से काफी रीचेबल जगह पर थी इसलिए वो वहां पर चले भी गए थे फटाफट अर्बन एक्सप्लोरेशन करने। नेवाडा, July 4th, 2009। उस माइन के पास पहुंचने के बाद वो सारा ग्रुप देखता है कि वो माइन तो अबेंडेंड होने के साथ साथ काफी ज्यादा सील करके बंद भी कर रखी है लेकिन वो चीज उन्हें उस जगह में एंटर होने से बिल्कुल भी नहीं रोकती एंड इलीगली ही सही वो उस जगह में चले जरूर जाते हैं एंड वहां जाने के बाद उनके एक दोस्त के साथ क्या हुआ आई डोंट नो व्हाट टू से। डार्क, शॉकिंग और मे बी रॉन्ग पर्सन एट रॉन्ग टाइम। आप एक बार देखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। Wow, so we're climbing down this rope. Yeah. How far down? How are we getting out of it? Climbing up it. I see. Oh, this is exciting. Who's got bad rope climbing skills? I've climbed ropes before. And there's a little ledge you can rest on. How far down does it go? All the way down to that ladder. See where it's laying down? Where the like a good 30 feet. Where the am I gonna hook this camera first? I know. ये व्यक्ति उस माइन के और नीचे जाने के लिए और डीप जाने के लिए वहां पर लगी एक रोप का सहारा लेता है एंड उसके थ्रू नीचे जाने की कोशिश करता है एंड नीचे जाकर वो ऑफकोर्स इसलिए देखना चाहता था ताकि वो ये देख पाए कि क्या सच में इस माइन के अंदर डेड बॉडीज पड़ी होंगी या फिर नहीं। इन सिंपल टर्म वो डेड बॉडीज डंपिंग वाली बात फेक थी या फिर रियल लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये बात कभी जान ही नहीं पाए क्योंकि अगर तो ये बात सच में रियल है कि वहां पर डेड बॉडीज को डंप किया जाता है तो उनका वो दोस्त भी अब उन डेड बॉडीज के ग्रुप का हिस्सा बन चुका था क्योंकि 20 मीटर नीचे हार्ड फ्लोर पर गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ह्यूमन बच सकता है। गए तो ये दोस्त एक डार्क वेब की वीडियो की मिस्ट्री को अनसॉल्व करने के लिए थे लेकिन इनकी खुद की ही वीडियो काफी ज्यादा डार्क एंड अनसॉल्व बन चुकी थी। मैंने इस वीडियो को डार्क वेब वीडियो की लिस्ट में इसलिए रखा था क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो ओरिजिनली डार्क वेब पर ही अपलोड करी गई थी क्योंकि वो लोग डार्क वेब के यूजर ज्यादा थे सरफेस वेब से। अब जो वीडियो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं इज बहुत ज्यादा weirdly disturbing है वो। इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे मुझे कोई भी बैक स्टोरी नहीं मिली। मैंने काफी जगह सिर्फ इस वीडियो का टाइटल ढूंढने तक की कोशिश भी करी लेकिन I couldn't find anything relevant. This is a mysterious and a horrifying dark web video जिसको maybe हो सकता है कि किसी टाइप के एक satanic ritual को बढ़ावा देने के हिसाब से बनाई गई थी और maybe किसी डार्क वेब के यूजर की डार्क लाइफ को शॉर्ट में समराइज करके काइंड ऑफ एक मॉन्टाज वीडियो बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर जिसमें ब्लड, मर्डर, सैक्रिफाइस एंड बहुत सारी क्रीपी चीजें शोकेस करी गई हैं।
जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि ये वीडियो सैटैनिक रिचुअल या फिर किसी की लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, वो सिर्फ मेरी पर्सनल थ्योरीज हैं जिसको मैंने खुद बनाया है इस वीडियो को काफ़ी बार देखने के बाद। एंड मुझे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थ्योरीज यही लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो आई रिकमेंड कि आप लोग भी ये वाली वीडियो थोड़ा बहुत रिवाइंड करके एक दो बार देखने की कोशिश करो, एंड मे बी यू कैन एग्री विद माई पॉइंट्स ऑल्सो, और आप अपनी थ्योरीज भी जरूर बना सकते हो। लेकिन मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो का द मोस्ट स्केरियस्ट सीन फॉर मी वॉज दिस। लाइक क्या है ये चीज, वॉट इज द रेफरेंस बिहाइंड दिस? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो द रेफरेंस बिहाइंड ऑल दिस मैडनेस, ये तो छोड़ ही दो। गाइज आई थिंक द ग्रिफ्टर वीडियो सच में बहुत ज्यादा कर्स थी, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरे सारे बाल उड़ गए हैं। I was just kidding, by the way. Actually, मैंने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपने इस पर 1000 लाइक्स करवा दिए तो मैं अपने सारे बाल कटवा लूंगा। वैसे सच बात यह है कि 1000 लाइक्स आते या नहीं, मुझे बाल अपने कटवाने ही थे, बिकॉज मेरे बालों का एक्चुअली में ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा पतले हो रहे थे, अनहेल्दी थे, एंड काफी ज्यादा झड़ भी रहे थे। तो इसलिए ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बॉल्ड हेयर कट लेना तो बनता है, ताकि अच्छे से मेडिकेशन होती रहे मेरे हेड पर। बट अगर लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो सिर्फ 2 महीने के सेक्रीफाइस के बाद मेरे को मे बी लाइफ टाइम या फिर काफी लॉन्ग टाइम तक अच्छे बाल मिल सकते हैं, जो कि मेरी मेन प्रायोरिटी है अभी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं गंजा इतना बुरा नहीं लग रहा हूँ जितना मेरे दोस्त या मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे। एंड अगर आपको देखना है कि मैं गंजा कैसा लग रहा हूँ तो जस्ट किडिंग, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम अभी फॉलो करो, ठीक है, वहाँ पर मैंने फोटो डाली है, अब वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। गंजू साइडर अगर आपने देखना है तो गो फॉलो इन इंस्टाग्राम। बाय द वे, आई थिंक दिस ट्रीटमेंट इज गोइंग टू वर्थ इट, एंड फ्यूचर वीडियोज में मैं मे बी आपको बेटर लुक दे पाऊँ अपनी वीडियोज के अंदर। चलो बहुत बातें कर ली, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो एज ऑलवेज, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय बाय।